गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मोहित अरोड़ा और आज अपने बात कर रहे हैं चैप्टर 9 की। ठीक है, 8th पार्ट तक अपने चैप्टर अपने जो लेसन है वो कंप्लीट हो गए हैं। 8 तक अपने पार्ट सारे कंप्लीट हैं। ठीक है, 8 तक 9th चैप्टर है अपना पौधशाला, जिसको सामान्यतः अपने नर्सरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो नर्सरी क्या होती है, क्या उसका महत्व है, सारी चीज़ें अपने इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है नर्सरी का, तो इंट्रोडक्शन को अपने और उसके इम्पोर्टेंस को यानी महत्व को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि नर्सरी या पौधशाला होता क्या है, मीन्स इसकी परिभाषा को अपने समझना होगा। तो इसकी परिभाषा क्या है स्टूडेंट, वह सीमित क्षेत्र, सीमित का मतलब है छोटा क्षेत्र, वह सीमित क्षेत्र जहाँ छोटे और महंगे बीजों को बोकर प्रारंभिक अवस्था में सुविधा देकर पौधे तैयार करते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, मान लो कोई फूल है, जैसे गेंदा मान सकते हो, या कोई सब्जी का पौधा है, उसको बो दिया। एक तो वो बीज छोटे होते हैं और महंगे भी होते हैं, तो उनको क्या स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टेम्परेचर कितना चाहिए, पानी कितना देना है, खरपतवार उखाड़ने हैं, कोई कीट व रोग ना मिले, कोई कीट या रोग ना लगे। तो स्टार्टिंग में प्रारंभिक में उसको सुविधा चाहिए होती है, उसको काफ़ी अटेंशन देना पड़ता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है फिर उसे मुख्य खेत में लगाने के लिए भेज दिया जाता है या बेच दिया जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था में सुविधा देकर पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टूडेंट अपने पौधशाला या आपकी नर्सरी बोल सकते हैं। ये तो थी इसकी परिभाषा। नेक्स्ट आते हैं इसका महत्व क्या क्या है। तो इसके महत्व के कुल 6 पॉइंट है, वैसे तो 7-8 हैं लेकिन मुख्य रूप से 6 पॉइंट है, वन बाय वन अपने सबको डिस्कस करेंगे। पहला है भूमि की बचत। ठीक है, देखो कम भूमि लगती है, जनरली नर्सरी के अंदर आपकी भूमि लगती है 1/10, या सिंपल भाषा में बोलूँ तो 10% भूमि लगती है। अगर आपको कोई फसल है 10 हेक्टेयर के अंदर कोई फसल लगानी है, तो 10 हेक्टेयर के लिए जितने भी पौधों की आवश्यकता होगी वो आपके 1 हेक्टेयर में लग जाएंगे। ठीक है, 10 हेक्टेयर के अंदर, वापिस समझ लो, 10 हेक्टेयर के अंदर जितने पौधों की आवश्यकता होगी वो सारे पौधे आप 1 हेक्टेयर में उगा सकते हो। उन 1 हेक्टेयर में थोड़े से बड़े हो जाए फिर उनको 10 हेक्टेयर के अंदर लगा दो एक एक करके। ठीक है, तो भूमि की बचत होती है। सेकेंड है बीज कम लगता है। रीज़न ये है कि जब अपने नर्सरी में बोते हैं तो एक एक बीज करके बोते हैं, तो अपना बीज क्या है कम लगेगी। तीसरा है अनुकूल परिस्थितियाँ। अनुकूल परिस्थितियाँ नर्सरी के अंदर ही देना पॉसिबल होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, नेट हाउस होता है और छायादार घर भी होते हैं, जो पर्दा वगैरह लगा देते हैं, छायादार घर होते हैं। तो जो अनुकूल परिस्थितियाँ पौधों को चाहिए, जिस भी पौधे को, उसको अनुकूल परिस्थितियाँ दी जाती हैं। फोर्थ आ जाता है आपका कीट रोग और प्रतिकूल मौसम से सुरक्षा। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर क्या है, जब पौधे छोटी अवस्था में होते हैं तो उसमें कुछ रोग वगैरह लग जाते हैं, आगे अपने डिस्कस भी करेंगे, तो रोग वगैरह से सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, वो नर्सरी के अंदर ही हो पाती है। प्रतिकूल मौसम, मान लो तेज हवा चल रही है तो आप उस पौधे को उठाकर क्या है अंदर अपने छायादार घर में रख दोगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लू चल रही है, तो लू के ऊपर, अगर मान लो लू चल रही है तो पौधे के चारों तरफ टाट या वो मॉस बांध सकते हैं, जिससे क्या तेज हवा ना लगे। ठीक है, एक तरह की घास होती है। फिर अब प्रति हेक्टेयर लाभ अधिक मिलता है इसमें। ठीक है, नर्सरी के अंदर क्या है, पर हेक्टेयर आपको प्रॉफिट क्या है ज़्यादा मिलेगा। जब आप छोटे पौधे तैयार करके बेचते हो तो आपको अच्छा पैसा मिलता है। और छठा है आपका सब्जी फल फूल से अच्छा लाभ मिलता है। ठीक है, सब्जी फल और फूल इन पौधों को उगाया जाता है नर्सरी के अंदर और अच्छा खासा पैसा मिलता है। नेक्स्ट अपना मुख्य पॉइंट है स्थान का चुनाव। कौन से स्थान पर नर्सरी लगानी चाहिए, हर जगह पर नर्सरी हम नहीं लगा सकते। तो जब भी अपने को नर्सरी लगानी है उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो बातें अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्थान का चुनाव में पहला पॉइंट है पौधशाला स्थल की स्थिति, कि पौधशाला जिस जगह पर लगानी चाहिए वो जगह कैसी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट जहाँ भी पौधशाला लगानी है धरातल से वो ऊंची होनी चाहिए। धरातल से ऊंची क्यों होनी चाहिए, रीज़न ये है कि अगर धरातल से नीचा स्थान है तो जब भी बारिश आएगी पानी सारा वहाँ भर जाएगा। जब पानी भरेगा तो वहाँ पर कीट और रोग लग जाएंगे। ठीक है, कवक जनित रोग वहीं लगते हैं जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। तो नीचे स्थान पर होगा तो रोग लग जाएंगे और फिर हमें नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए पौधशाला जो है धरातल से ऊंचे स्थान पर होनी चाहिए। सेकेंड आ जाता है अपना मिट्टी।
कि जिस जिस जगह पर अपने पौधशाला लगानी है, नर्सरी लगानी है, वहाँ की मिट्टी क्या उपजाऊ होनी चाहिए, पूरी तरह समतल होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर रहित होनी चाहिए और खरपतवार भी रहित होनी चाहिए। मतलब खरपतवारों की वहाँ ज़्यादा समस्या ना हो। कंकड़ पत्थर का मतलब है पत्थरीली जमीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, तो और मैं मिट्टी भी बता देता हूँ, वैसे दोमट या बलुई दोमट बेस्ट रहती है, दोमट या बलुई दोमट मिट्टी बेस्ट रहती है, ठीक है, ये अपने नर्सरी के लिए। थर्ड आ जाता है अपना सिंचाई की सुविधा। तो पौधशाला या नर्सरी के लिए सिंचाई के लिए स्थायी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपके पास बारिश की प्रॉब्लम है, ठीक है, उस जगह पर आप क्या करते हो, आप सरसों लगा देते हो, खरीफ में बाजरा लगा देते हो कि हमारे पास पानी की कमी है। लेकिन अगर आपको पौधशाला लगानी है, नर्सरी लगानी है, तो आपके पास पानी होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे पौधे होते हैं उनको बार बार पानी देना पड़ता है, जब ज़रूरत दिखे पौधा सूख रहा है पानी देना पड़ेगा। तो आपके पास डिग्गी या कोई वाटर रिसोर्सेज होना चाहिए, या फिर ड्रिप इरीगेशन या फुवारा सिंचाई जैसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, सिंचाई का प्रॉपर सुविधा हो, डिग्गी वगैरह हो। अगर पानी नहीं है तो फिर आप नर्सरी ना लगाइए, ठीक है। फोर्थ है आपका जल निकास की व्यवस्था, ठीक है। मान लो बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, नर्सरी में पानी भर सकता है, तो आपके पास ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि तुरंत आप जल निकास कर दो। अगर जल खड़ा रहा पानी में, तो फिर नर्सरी में रोग और बीमारियाँ लग जाएंगी। जैसे जब ज़्यादा नमी हो तो उससे आद्र गलन रोग लग जाता है। आद्र गलन का मतलब है जड़ जो है वो गलने लगती है, जड़ गलन रोग हो जाता है, आद्र गलन बोलते हैं, जिससे क्या है पौधा कमज़ोर हो जाता है। अगर आप हाथ से पकड़ोगे, थोड़ा सा ऊपर करोगे, तो पौधा आपके हाथ में आ जाएगा, तो जड़ गलन रोग हो जाता है। ये तब होता है जहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा रहे। फिफ्थ आ जाता है आपकी यातायात की सुविधा। जहाँ भी आपको नर्सरी लगानी है, अब लोग आएंगे आपके पास, ठीक है। मान लो किसी को 100-200 पौधे हैं, 100-200 पौधे लेने हैं, तो वो कोई अपना साधन लेके आएगा, ठीक है। अगर बड़े पौधे हैं तो अपना कोई साधन वगैरह लेने आएगा, या फिर छोटे पौधे हैं तो वो किसी ट्रेन वगैरह से आ सकता है आपके पास। तो ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहाँ पर रेल व सड़क की यातायात की प्रॉपर सुविधा हो। सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन आपके पास पौधे लेने आया नर्सरी में, ठीक है, अब वहाँ पर सड़क वगैरह अच्छी खासी बनी नहीं हुई है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो वो जो पौधे लेने आएगा आपसे, आपसे लेकर वो जाएगा, तो उसके कुछ पौधों का तो रास्ते में ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सड़क सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर नर्सरी लगानी चाहिए जहाँ पर रेल व सड़क यातायात सुविधा प्रॉपरली हो, लोग आसानी से आ सकें और पौधे लेकर आसानी से वापस भी जा सकें। सिक्स्थ आ जाता है आपका कार्बनिक खाद की सुविधा, ठीक है। कार्बनिक खाद का मतलब होता है गोबर की खाद, हरी खाद या वर्मिंग कंपोस्ट, ठीक है। तो आपको पौधे ग्रो करने हैं, ठीक है, पौधे नर्सरी के अंदर उगाने हैं, पौधों को स्टार्टिंग के लिए खाद की ज़रूरत होती है। अब आप अगर रासायनिक खाद उगाओगे तो आपका खर्चा बढ़ता जाएगा, तो आपको आसानी से और कम कीमत पर मिलने वाली खाद लेनी चाहिए, जैसे गोबर की खाद है। अब अगर बड़े शहर के पास पास कहीं लोग हैं तो वहाँ खाद वगैरह महंगी मिलेगी, तो ऐसे स्थान पर लगाओ जहाँ पर लोगों के पास खाद, गोबर की खाद या हरी खाद एक्स्ट्रा पड़ी रहती है और वो आपको दे देंगे, ठीक है। हरी खाद तो आपको खुद तैयार करनी पड़ेगी अगर आप यूज़ करना चाहते हो, लेकिन गोबर की खाद आसानी से मिल जाती है, तो ऐसे एरिया पर लगाएं जहाँ पर आसानी से गोबर की खाद मिल जाएगी। सेवन आता है दैनिक व स्थानीय मजदूरों की सुविधा। देखो नर्सरी के अंदर छोटे छोटे पौधे, आप सारा काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप सेल्स भी करनी है, मार्केटिंग भी करनी है, तो सारा काम तो आप कर नहीं सकते, स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको पौधे लगाने के लिए, कटाई छंटाई के लिए, खरपतवार निकालने के लिए, ध्यान रखने के लिए, तो आपको मजदूर चाहिए होंगे। तो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर मजदूरी सस्ती हो, दिहाड़ी सस्ते दर सस्ते मिल जाए। अगर मजदूर महंगे मिले, मजदूर के मैं तो 600 रुपये लूँगा, तो आपका फिर वो खर्चा बढ़ जाएगा, और फिर खर्चा, अगर आपका खर्चा बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट जो लाभ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में कुछ अन्य बातें का ध्यान रखना पड़ जाएगा, जैसे बाढ़। बाढ़ का मतलब है खेत के चारों ओर जो अपने बाढ़ लगा देते हैं, कंटीली तारे वगैरह लगाते हैं। एक्चुअल में जहाँ नर्सरी लगाओगे महंगे पौधे हैं, तो वहाँ पर आवारा पशु जैसे आते हैं, तो वो पौधों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए आप कंटीली तारे लगा सकते हो, या फिर कोई झाड़ी वगैरह लगाओ कांटे वाली, ताकर पशु वगैरह ना आए। और पौधशाला के नज़दीक फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में होता है क्या है कि मान लो आप आम के पौधे तैयार करते हो, तो कोई आसपास ईंट का भट्टा है, तो ईंट के भट्टे से SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस क्या करती है, नीम के पौधों, सॉरी आम के पौधों में क्या है,
अपने काला धब्बा रोग उत्पन्न करती है, ठीक है। वो आम के अंदर जो काला धब्बा रोग है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, जो ईंट भट्टों से निकलती है। तो उद्योगों से क्या है, दूर होनी चाहिए नर्सरी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट इसमें कुछ छायादार स्थान होना चाहिए खेत के, अपने नर्सरी के अंदर, ठीक है। छायादार स्थान इसलिए होना चाहिए कि कुछ पौधे क्या है, तेज धूप, छोटी अवस्था में तेज धूप सहन नहीं कर सकते। जैसे हमारे संग्रिया में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो तेज धूप कुछ पौधे सहन नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या है कुछ छायादार स्थान रखा जाता है नर्सरी में, ताकि पौधे क्या है छाया में रख सके तेज धूप में, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए नर्सरी लगाते टाइम, ठीक है। और इसके बाद वाला टॉपिक है स्टूडेंट, वो अपने कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका भी आपको प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की क्लास स्टूडेंट अपने यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।